मुझे याद आता है एक छोटा बच्चा, दीपक नाम था उसका, 3-4 साल का जब हुआ तो अपने माता पिता को कहता था, जैसे ही बोलना शुरू किया कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। माता पिता बार बार उसको समझाए यही अपना घर है, वो कहे नहीं मेरा घर अलग है, मुझे वहां जाना है। खैर माता पिता को तो मालूम नहीं था, एक दिन बच्चे को गाड़ी में घुमाने ले जा रहे थे और घूम करके जब वापस आ रहे थे तो एक मोड़ आया जहां से बच्चे ने कहा कि अब यहां से राइट ले लो। माता पिता ने कहा नहीं बेटा हमारा घर तो इस तरफ है। कहा नहीं मेरा घर इस तरफ है, इस तरफ ले लो। फिर राइट लेफ्ट आदि बताते हुए एक बहुत बड़े बंगले के पास पहुंचा। कहा ये मेरा घर है, बहुत खुश हो गया। कहा बेटा ये अपना घर नहीं है। उन्होंने सोचा पता नहीं किसका बंगला है और कहां ये ले आया। कहा नहीं मेरा घर है ना, चलो आप। वहां वॉचमैन खड़ा था, उसको कहा शारदा है घर में? तो कहा है। कहा दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला, अंदर लेके गया। वहां जाकर के बेल बजाई, वो बहन आई। बहन को देखते ही कहता है शारदा मुझे पहचाना नहीं, क्या पता नहीं कौन है। फिर जाकर के वो अपनी कुर्सी पर जहां हमेशा बैठता था उसी कुर्सी पर उसी स्टाइल में जाकर के बैठा। तब वो बहन को महसूस हुआ रे ये तो कहीं वो आत्मा तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि घर में एक नौकर था जिसका नाम हरि था, तो उसने कहा कि हरि है घर में? तो कहा नहीं वो तो मर गया, सेठ जी जाने के बाद वो भी मर गया तुरंत 1 महीने के अंदर ही। तो कहा कोई बात नहीं, दूसरा कोई नौकर है घर में? तो कहा है। कहा बच्चे कहाँ गए? छोटा सा बच्चा 3 साल का पूछता है बच्चे कहाँ। कहा वो तो बिजनेस पर गए हुए हैं। तो बहन तो समझ गई कि ये वही आत्मा है, माना उसका पति जो पिछले जन्म वही आत्मा है। फिर उसने कहा नौकर को बुलाओ पीछे जाना है। घर के पीछे के साइड में गए और वहां एक बड़ा पेड़ था, उस नौकर को कहा यहाँ खुदाई करो। खुदाई किया और नीचे से एक पिटारा निकाला। बड़े आश्चर्य हो गया कि पिटारा और सारी बैंक की किताबें पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर थे। उसने उस बहन को दिया कि ये बच्चों को दे देना और उसके बाद चला गया, भूल गया सब कुछ। माना उसके बाद तो उस समय कहा उसने, उस बच्चे ने कहा कि ये पेटी मैंने हरी नौकर के साथ मिल करके उसको ये पेड़ के पास अंदर गाड़ दिया था। क्यों? तो कहा मुझे पहले दिन ही मालूम पड़ गया था कि हमारे घर में रेड पड़ने वाली है, और इसलिए जब रेड पड़ने वाली है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हाथ में आए सूटकेस में भर करके उस पिटारे के अंदर डाल करके उसको वहां झाड़ के नीचे खड्डा खुदवा करके दफना, जो मैं और हरी दो ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। और इसलिए वो आत्मा जब गई वो संस्कार लेकर के गई, माना वो अंतिम इच्छा यही थी उसकी मरने से पूर्व कि अब सब दबा का दबा रह जाएगा, किसी को कुछ नहीं। तो ये जन्म में जा करके भी वो पिछली स्मृति जो उसको सता रही थी अंदर में कि बच्चों को दे करके फिर आऊं मैं, और जैसे ही उसने हैंडओवर कर दिया उसके बाद विस्मृत हो गया। फिर अपने माता पिता को कहते हैं चलो अपने घर, बस वो लास्ट संकल्प उसका पूरा हो गया। ठीक इसी तरह कई बार पशु भी अपना पूर्व जन्म बताते हैं कि वो पशु ही थे पिछले जन्म में। कैसे? तो मुझे याद आता है कि एक बार एक न्यूज़पेपर में ये बात आई थी कि एक कपल अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे। जैसे ही आ रहे थे तो अचानक वो कुत्ता एकदम परेशान होकर के खूब भौंकने लगा। इन लोगों ने जैसे गाड़ी खड़ी किया तो उसने खिड़की से, वो कांच से खुला था, कूद करके सामने एक फार्म हाउस था उसमें दौड़ करके चला गया। ये लोग उसके पीछे पीछे गया कि पता नहीं उसको क्या स्मेल आई, क्या हुआ, क्यों गया वो। वहां जाने के बाद एक बूढ़ी माता जी थी जो घूम रही थी, तो उसको जैसे प्यार करने लगा। वो बूढ़ी माता जी को भी पता नहीं किसका कुत्ता है, क्यों इतना प्यार कर रहा है। जैसे वो वहां पहुंचा
तो बूढ़ी माता जी ने कहा, पता नहीं ये आपका कुत्ता है? कहा हाँ हमारा कुत्ता है, यहाँ दौड़ करके ले आया। वो बूढ़ी माता जी देखती रह गई। फिर अचानक वो कुत्ता पीछे की ओर गया, मचान पर कुछ ढूंढने लगा। तब ये बूढ़ी माता जी हंसने लगी, कहा ये कितने साल का कुत्ता है? कहा 3 साल का। कहा 3 साल पहले मेरे पास एक कुतिया थी और ये जो ढूंढ रही है ना, उसने अपने बच्चे वहां रखे थे, बच्चों को ढूंढ रही है। कहा फिर क्या हुआ? तो कहा वो मचान पर रखा था, बर्फ के दिन थे, इतना बर्फ गिरी और उसके बच्चे सारे बर्फ में ढक गए थे। वो बर्फ निकाल रही थी बच्चों के ऊपर से और जो है अचानक उसका पैर फिसला, नीचे गिरी, नीचे एक वो कुल्हाड़ी थी उसके ऊपर गिर करके मर गई। ये अभी जो ढूंढ रही है ना, वो लास्ट उसकी एक्शन, तो एक कुत्ते ने भी अपना पूर्व जन्म बताया तो कुत्तिया ही थी। मनुष्य ने अपना पूर्व जन्म बताता है, मनुष्य है। तो किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि जानवर योनि से मनुष्य बने, ये किसी ने नहीं बताया। कहने का भावार्थ, मनुष्य मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगता है। ओम शांति।